में करीब 125 जहाज फौरन से बेशतर खरीदने, जिसका करीब 20 बिलियन डॉलर का बजट, 20 से 25 बिलियन डॉलर का बजट हमने अलोकेट कर रखा है। अब फ्रांस को भी कहीं लग रहा है यार ये इंडिया को चाहिए 125 जहाज। 125 जहाज एक बहुत बड़ा नंबर होता है, बहुत ह्यूज बिलियन ऑफ डॉलर्स का प्रोजेक्ट है यार। 1977 से तुमने 22 प्रोग्राम लिए इसके आईएमएफ के और 150 बिलियन का ऑलमोस्ट कर्जा चढ़वाया। इंडिया 560 बिलियन डॉलर के उसके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में, शर्म से डूब मरो। तो क्या कह रहे कि जो नई डील अगर होती है तो इससे क्या हो सकता है फिर मजीद, जिसे कहते हैं कि चीजें डिसबैलेंस नहीं हो सकती, इन द सेंस कि अगर चाइना उस तरीके से टेक्नोलॉजीज नहीं रखता या चाइनीज टेक्नोलॉजीज की रिलायबिलिटीज उस तरह नहीं है जिस तरह फ्रांस की है। तो ये कितना खतरनाक हो सकता है आने वाली गवर्नमेंट के लिए या आने वाले सालों में पाकिस्तान जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्री के लिए? एक डील है ट्राइलेटरल, क्योंकि फ्रांस, यूएई और इंडिया इसमें इन्वॉल्व होंगे, एक बहुत बड़ी डील है बिलियन ऑफ डॉलर्स की है। सर क्या समझ रहे हैं कि चाइना के लिए कितना बड़ा एक थ्रेट हो सकता है? क्योंकि राफेल के हवाले से मैंने एक पाकिस्तानी से बात मेरी हो रही थी जो जेट फाइटर्स को समझता है, वो कहते हैं कि जी हमने तो C-10 ले लिए लेकिन C-10 और राफेल के बीच में। तो दोस्तों आपने ये छोटा सा क्लिप देखा, आपको पता होगा कि भारत की एक डिफेंस डील होने वाली है फ्रांस के साथ। हालांकि भारत ने अभी एक फ्रांस के साथ वैसे भी डिफेंस डील करी हुई है राफेल, आपको पता होगा राफेल काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल टॉपिक हुआ था, बाद में सब क्लियर हो गया, पता चला कि कांग्रेस पार्टी मतलब बेवजह के एक आरोप लगाकर एक इतनी बड़ी डील पर इस तरीके से बात कर रही थी। तो ये पाकिस्तानी मीडिया बात कर रही है कि इस तरीके से इससे एक सिक्योरिटी का इनबैलेंस होगा, हालांकि ये पाकिस्तान के लिए तो आ नहीं रहे, ये तो चीन के लिए आ रहे हैं। पहले ये पूरा वीडियो देखते हैं, वीडियो के लास्ट में करते हैं इस टॉपिक पर डिटेल में बात। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता तो प्लीज़ शेयर। इससे पहले हमने देखा कि अमेरिका और इंडिया के बीच में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की जो बात हमने 2021 और 2022 में देखी, फ्रांस से राफेल जेट फाइटर्स खरीदे थे वो भी 2021 में इंडिया ने किए थे। अब वहां पे कुछ और डील्स होने की बातें हो रही हैं कि शायद वो मजीद कुछ ऐसा चाहते हैं डील इंडिया के साथ और यूएई के साथ। इससे पहले इन दोनों कंट्रीज को गालिबन राफेल तो इंडिया के पास तो है लेकिन आई थिंक सो यूएई को भी दिया गया। क्या चीजें हैं और क्या करना चाहते हैं? और ये भी कहा जा रहा है कि एक और मतलब लेवल की पार्टनरशिप जिसको हम स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इन अ सिंपल वर्ड्स कहते हैं, ये हो रही है। ये वाली क्या चीज है जो फ्रांस चाहता है कि वो इंडिया के साथ इस डील को आगे बढ़ाए? क्योंकि इंडियन मीडिया में अभी तक इसके ऊपर मैंने कोई बात नहीं सुनी, लेकिन ये क्योंकि यूरोपियन या वेस्टर्न मीडिया जो है इसको रिपोर्ट कर रहा है और इस पर मैंने कहा कि आपसे बात करना चाह रहा था, क्या चीज है? और राफेल तो आप लोगों ने ले लिया, फ्रांस क्योंकि एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है वेपन्स का और इस तरह की चीजों का, तो क्या चीज है जो यूएई के साथ भी वो चाहता है कि ये डील हो जाए और उससे ज्यादा वो कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया के साथ हो जाए ये डील? अच्छा, अब फ्रांस को एक चीज पता है, यूके को एक चीज पता है, इसराइल को एक चीज पता है, हमें करीब 125 जहाज फौरन से बेशतर खरीदने, जिसका करीब 20 बिलियन डॉलर का बजट, 20 से 25 बिलियन डॉलर का बजट हमने अलोकेट कर रखा है। अब ट्रायल्स हो रही है, आपने देखा होगा पीछे पे ट्रायल्स हुई थी, राफेल ने भी की, अमेरिकन्स भी आ रहे हैं, ये भी आ रहे हैं। अब यहाँ क्या हो रहा है कि देखिए अमेरिका पार्टनर तो है ही है, अब बचा था यहाँ पे इसराइल बचा है, इसराइल इस पार्टनरशिप का एडवांटेज लेना चाहता है, 30 साल का रिलेशन है। यूएई के पास टेक्नोलॉजी नहीं है पर यूएई ने आपने आपको पीछे आ रहा होगा फूड पार्क्स में इन्वेस्ट किया था, सोलर पार्क्स में इन्वेस्ट किया था, उन्होंने कश्मीर में इन्वेस्ट किया था, यूएई एक अपॉर्चुनिटी देख रहा है इन्वेस्टमेंट की। अब फ्रांस को लग रहा है यार वहां से ऑकस की डील चल रही थी, राइट, ऑकस की डील भी चल रही है, अब फ्रांस को भी कहीं लग रहा है यार ये इंडिया को चाहिए 125 जहाज। 125 जहाज एक बहुत बड़ा नंबर होता है, बहुत ह्यूज बिलियन ऑफ डॉलर्स का प्रोजेक्ट है। तो अब ये चाहता है कि ये जो हम अलायंस में पार्टनर है कि यार मैं इन दोनों के साथ मिलके कि यूएई को भी जहाज चाहिए, इंडिया को भी जहाज चाहिए, कि अगर मेरा कुछ ऐसी सेटिंग बन जाए, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, राफेल ऑलरेडी यहाँ है और राफेल का यहाँ रिजल्ट अच्छा है, हमारे रिजल्ट को देख के दुनिया भर में राफेल की जो वक्त और औकात है वो बड़ी है, मतलब पीपल आर इंटरेस्टेड इन राफेल नाउ। तो अपने इस अब ये जो ITU2 है तो इसमें फ्रांस बैकडोर से एंट्री मारना चाहता है इन अ वे इस अलायंस के थ्रू, इस डील के थ्रू। आपको याद होगा बोरिस जॉनसन साहब इंडिया आए थे, बोले यार हमसे FTA कर लो और हमसे FTA कर लो दिवाली से पहले,
यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट आई थी, वो कह रहे हमसे एफटीए कर लो, उससे भी पहले कर लो। जर्मन कह रहे हमसे एफटीए करो, और इसराइल से एफटीए की बातें शुरू हो रही है, और हो सकता है जल्दी इसराइल से एफटीए अनाउंस भी हो जाए। ओके, तो ये इसराइल से एफटीए की बातें अभी एज वी टॉक बातें जारी है, तो एफटीए हो सकता है हम जल्दी अनाउंस भी कर दें। जी, अब ये जो 5-6 चीजें चल रही है, यहाँ कह देखिए फकर भाई, इंडिया देता आपको मैन पावर, इंडिया देता आपको टेक्नोलॉजी, इंडिया देता आपको आउटसोर्सिंग, इंडिया देता आपको सबसे बड़ा मार्केट। और जितना जितना चाइना के साथ, जो मैंने आपको पहले भी शो में बोला था, जितना जितना चाइना के साथ डिकपलिंग होगी, इंडिया विल बिकम अ नेचुरल ऑप्शन। तो हर कोई इंडिया के साथ कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से जुड़ना चाहता है, और जुड़ना ऐसे चाहता है कि इंडिया का भी उनमें इंटरेस्ट हो। देखिए, हमें ये जाहिर सी बात है, मैं इसमें शर्म नहीं बोलूंगा, हमें न्यूक्लियर सबमरीन चाहिए, हमें न्यूक्लियर, हम अपने बना रहे, पर हमें कुछ न्यूक्लियर सबमरीन जल्दी चाहिए होंगे, हमें 125 जहाज जल्दी चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो अगर आप ये देखें, न्यूक्लियर सबमरीन और जहाज का मार्केट फ्रांस है, हम आपस में एक मल्टी लेवल अलायंसेस बना रहे कि ठीक है यार, मेरी आपसे इस चीज में अलायंस है, आपकी मेरे से उस चीज में अलायंस है, ताकि ये एक केवल मिलिट्री अलायंस ना हो, एक ट्रेड अलायंस हो, एक मतलब यू नो वेपन्स का अलायंस हो, मतलब आप हमसे हथियार लेते हैं, आप हम आपसे कुछ और लेते हैं। जी। तो मतलब एक ऐसी, तो यही एक चीज बना रहा है यू नो फ्रांस, क्योंकि फ्रांस का कंपटीशन है फकर भाई अमेरिकन के साथ। अमेरिकन चाहते राफेल में मिस हो गए, अभी हम ये डील ले लें। अच्छा, रशियंस पीछे नहीं है, रशियंस सबसे सस्ता दे सकता है, रशिया किस्तों में भी पैसे दे सकता है, रशिया पूरी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने को तैयार रहता है, ठीक है। तो और यहाँ पे ब्रिटिशर भी लाइन में लगे हैं, यहाँ पे EADS भी लाइन में लगा, जिसमें आपका जर्मनी भी है, जिसमें आपका इंग्लैंड भी है, और जिसमें आपका फ्रांस भी है। तो 4-5 बड़े कंपटीटर हैं जो लाइन में लगे हैं। और एक और आपको बताऊं, अगर हम अपने फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट की बात करें, हम फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट की अपनी प्लानिंग रशियंस के साथ भी चल रही है, राफेल के साथ भी चल रही है, अमेरिकन भी इंटरेस्ट है, अपना भी तेजस अमैक जो है, जो फिफ्थ जनरेशन, उस पर डेवलपमेंट हो रही है, और एक आध और जगह पे जहां हमारी भी बात चल रही। तो हमने भी अपने जो वी हैव बैग्ड आवर रिस्क्स ऑन 4-5 डिफरेंट एलिमेंट्स फॉर फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट। और देखिए दिक्कत क्या फकर भाई, हमारा मिराज और जो जैगवार है, आने वाले 15 साल में काफी सारे मिराज और जैगवार हमें निकालने पड़ेंगे, बिकॉज दे विल बी एंड ऑफ लाइफ। तो अभी भी हमारे पास स्क्वाड्रन थोड़े कम है, इफ यू लुक एट जो हमारे एयरफोर्स की मिनिमम रिक्वायरमेंट है, उससे कम स्क्वाड्रन है हमारे पास, ठीक है। अगर ये 125 जहाज आते तो हमारे स्क्वाड्रन बराबर होते, पर जब हम ये जैगवार्स और मिराजेस को। तो दोस्तों, ये वीडियो यहाँ पर होता है खत्म। आपने देखा किस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया बात कर रही थी कि भारत जिस तरीके से अपने डिफेंस को लेकर चिंतित है और डिफेंस डील करे जा रहा है, उससे एक सिक्योरिटी का प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है इस पाकिस्तान भारत के बीच में। हालांकि ये बात तो क्लियर है कि इतने बड़े स्तर पर अगर हम ये सब चीज़ें कर रहे हैं तो ये हम क्यों कर रहे हैं, रीज़न आपको पता है, रीज़न है चीन। चीन के साथ हमारा भी क्लैश हुआ था। हालांकि चीन एक ऐसी कंट्री है जो अपने हथियार वत्यार दिखाकर दूसरे देशों को दबाना चाहती है, बट उस क्लैश के बाद चीन खुद आगे नहीं बढ़ा। अगर हिम्मत होती तो वो आगे बढ़ता और ले लेता, नहीं बढ़ा। उसको पता है कि भारत सामने वालों कोई ऐसा कमज़ोर दुश्मन तो है नहीं, भारत ने भी डटकर सामना किया और भारत भी पीछे हटा नहीं। तो मतलब समझ गए आप, अब वहाँ पर डिसएंगेजमेंट हुई और चीन की सेना पीछे चली गई, भारत की सेना भी चली गई गलवान वैली में। दोनों सेनाएं उस एरिया पे पेट्रोलिंग कर सकती हैं जो कि पहले से चला आ रहा था, वहीं पर पहुंच गए। तो इस बात को लेकर अब पाकिस्तान बोल रहा है कि भारत फ्रांस के साथ इस तरीके की डील कर रहा है, ये वो इस तरीके की बातें पाकिस्तान में हो रही हैं। साथ ही साथ बात हो रही है कि भारत IMF में अभी तक एक बार गया है जबकि पाकिस्तान बार बार गया है। तो ये पाकिस्तान की फ़ौज की वजह से हुआ, मैं तो ऐसा मानता हूँ। पाकिस्तान की फ़ौज ने पाकिस्तान को इस तरीके से करप्ट, मतलब जड़ से वीक किया है। जैसे कि पाकिस्तान के एक्स फौजी, मैं बात करूंगा जनरल परवेज़ मुशर्रफ, जनरल कियानी, जनरल जितने भी, मतलब इनके जितने बड़े पोस्ट पर फौजी रहते हैं वो बाहर जाकर सेटल हो जाते हैं, अच्छा खासा माल बनाते हैं, उनको रहना है कनाडा में, UAE में, ऑस्ट्रेलिया में, यूरोपियन कंट्री में, तो ये उनका का सील है। तो फिर ऑब्वियसली इस तरीके की सिचुएशन आएगी। आपको क्या कहना है दोस्तों इस टॉपिक के बारे में, प्लीज़ कॉमेंट में अपनी राय दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें।